नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर वंशवाद और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी जयपुर में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी नेताओं को चैन से ना बैठने की नसीहत देते हुए कहा कि जुबान को फिसलने नहीं देना है और विकास के मुद्दों पर टिके रहना है। बता दें कि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं अगले साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। रिपोर्ट देखिए। जयपुर से चिंतन कर कांग्रेस के लौटने के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जयपुर चिंतन करने पहुंचा। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए उत्साह से भर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विजयी पताका फहरा रही है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। यूं तो दुनिया कहेगी और सच्चाई भी है, क्या देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया। लेकिन साथियों, भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने जोश भरने के लिए कार्यकर्ताओं का नमन किया तो सदस्यता अभियान चलाए रखने का टास्क भी दिया। साथ ही उन्होंने ढेर सारी नसीहत भी दे डाली। पीएम ने नेताओं से कहा कि जुबान नहीं फिसलने देना है और विकास के मुद्दे पर टिके रहना है। साथियों, हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है, कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। पीएम मोदी ने मीडिया की भूमिका की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे कामों की हेडलाइन नहीं बनेगी, लेकिन आपको डटे रहना है। जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, कोई हेडलाइन नहीं बनेगी, टीवी पर वो बात चमकेगी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी साथियों, हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है, विकास के मुद्दों पर टिके रहना है, देश हित के मुद्दों पर टिके रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार के नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। वंशवाद और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को अपना किला बचा लेने की चुनौती भी दे डाली। ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाने पर तुली हुई है। भाजपा को इन परिवारवादी पार्टियों से निरंतर मुकाबला करना है। लोकतंत्र के लिए यह सबसे घातक परंपरा है। अगर लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र को सामर्थ्यवान बनाना है, लोकतंत्र को मूल्यनिष्ठ बनाना है, तो हमें ये वंशवाद परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अविरत संघर्ष करना ही है दोस्तों। पीएम मोदी ने देश के हालात के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषा विवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विविध भाषाएं देश की सुंदरता हैं, कुछ लोग नहक इसे मुद्दा बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। दरअसल मसला यही है कि आखिर जिस तरह से परिवारवाद और वंशवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा, इससे पहले जेपी नड्डा ने भी इसी तरह से निशाना साधा था, कांग्रेस का नाम लिए बिना कांग्रेस पर निशाना साधा था, भाई बहन की पार्टी बताया था। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
महेश वर्मा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका भी। रामप्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर है टीएमसी के, स्वागत है पांडे जी आपका। और राहुल लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला एक सवाल मेरा यहाँ पर महेश जी के साथ ही है। महेश जी, आखिर क्यों एक बार फिर से परिवारवाद, वंशवाद, इसी का राग अलापा जा रहा है? इससे पहले जेपी नड्डा ने भी इसी तरह की बात कही, परिवारवाद, वंशवाद की बात की, उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों की भी बात की, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भाई बहन की पार्टी बता दिया, अब फिर प्रधानमंत्री भी वही सब चीजें दोहरा रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है सर, भारतीय जनता पार्टी अगर आप ये कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ गई, 400 सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर कांग्रेस से आपका जब मुकाबला नहीं है तो फिर निशाना क्यों? नेहा जी, एक संजोगी कहा जाएगा जिस राजस्थान से कांग्रेस ने जो है चिंतन शिविर के जरिए हर एक परिवार से एक को टिकट देने की बात कही, यानी वंशवाद को मजबूत करने का एक एक पूरा आपको जो है प्रकट करेंगे, मजबूत करेंगे, और उसके सशक्तिकरण के लिए जो लगातार काम करने की जरूरत है उसकी कोशिश हम हर संभव करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक बात कही कि विश्व भारत को देख रहा है और भारत में जो है लोग जो है भाजपा को देख, और भाजपा सर कांग्रेस को देख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसे में मैं यही अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसी मरुभूमि से एक पार्टी जो है एक संकल्प लेके, एक उसका मुखिया ये संकल्प लेता है, दूसरा मुखिया ये कहता है कि हर एक परिवार से एक आदमी को हम टिकट देंगे। एक तरफ परिवारवाद और वंशवाद है, दूसरी तरफ विकासवाद है, राष्ट्रवाद है। एक तरफ राष्ट्रवाद और विकासवाद की बिल्कुल फूकी जा रही है और दूसरी तरफ जो है वंशवाद और परिवारवाद को कैसे पलवित करें, कैसे उसको लेकर आगे बढ़े, ऐसा चिंतन शिविर होता है और ऐसी चिंता की जाती है जहाँ देश के बारे में कोई भी चीज, ना कोई एजेंडा सेट होता है, ना कोई मुद्दा सेट होता है, ना कोई चिंता होती है। चिंतन शिविर किस लिए होता है महेश जी? चिंतन शिविर किस लिए होता है सर? अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 या 3 दिन का चिंतन शिविर रखा गया, वहां पर कांग्रेस की चिंता ज्यादा हो रही है बजाय अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के, ये चिंतन शिविर का मकसद क्या है सर, उद्देश्य क्या है? कह दिया किसने कह दिया? हमने तो चिंता अपने बारे में करी, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के आप वर्क करें, अगले 25 साल तक आपको काम करना है, तो ये आप अपना चुनौती जो है अपने अधिकार समझिए। जो आपको चुनौती मिल रही है, हो सकता है कि आपके किसी काम को प्रश्रय ना मिले, हो सकता है आपके किसी काम को क्रेडिट ना मिले, उससे आपको निराश नहीं होना है, लेकिन विकासवाद और राष्ट्रवाद उसको आपको पूरे अच्छे प्रखर तरीके से आप किस तरह से उस मार्ग पे चल सकते हैं, अपने आप को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, ये अब कहीं दिखता है कि भारत में एक आत्मविश्वास है और कहीं भारत जो है विश्व का नेतृत्व कर सकता है, विश्व गुरु बनने की राह पे आगे बढ़ सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उसमें किस तरह से मजबूती के साथ देश के विकास में, देश के हर उस चुनौती को सामना करने के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ये आज का संदेश था भारतीय जनता पार्टी के इस संगठनात्मक बैठक की। जबकि दूसरी तरफ वही हमारे ये जो संदेश है महेश वर्मा जी कर रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश महेश वर्मा जी कर रहे हैं, लेकिन त्रिपाठी जी कांग्रेस को क्या संदेश मिला इससे? नेहा जी, मैं पूरा वक्तव्य सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता का, जिस तरह से ये उलझे हुए हैं बातों में और अपना संदेश स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक यही शीर्ष नेतृत्व का भी हाल है। उनके लिए कहने के लिए इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन उनका सारा केंद्र, सारा चिंतन कांग्रेस के ऊपर। आपने सही प्रश्न उठाया, उनको देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस समय बिजली संकट सर्वाधिक है देश में,
शिक्षा की व्यवस्था क्या है ये सभी जान रहे हैं, स्वास्थ्य को लेके आपकी कौन सी नीति और कौन सी योजना आई इस पे कोई बातचीत नहीं है। आप योजनाओं की बात तो सही है सर, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से भी चिंतन शिविर होता है, वहाँ पे चिंता सिर्फ गांधी परिवार की होती है, सर ऐसा क्यों? सवाल ये भी है कि तमाम नियम कायदे बना दिए जाते, सुन लीजिए सर सवाल सुन लीजिए, तमाम नियम कायदे बना दिए जाते हैं, वो कायदे कानून भी कुछ लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उसमें कुछ लोगों को छूट दे दी जाती है, वो छूट किसके लिए, वो कायदे कानून किसके लिए सर बना दिए जाते हैं? और उस चिंतन शिविर का मतलब क्या हुआ, जब कोई किस तरह की चिंतन वहां पर हुआ, किस तरह का वो शिविर था सर, उसके क्या मायने थे, उसका क्या उद्देश्य था? तभी तो ये भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती है ये तो भाई बहन की पार्टी है। बिल्कुल नेहा जी, अब जरा सुन लीजिएगा, एक एक करके मैं जवाब देता हूं जितने भी प्रश्न आपने इसमें जोड़े हैं। चिंतन शिविर में 6 मुद्दे रखे गए थे और सभी 6 मुद्दों पर एक रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जिन कमेटियों के जो प्रमुख बनाए गए थे उन्होंने सौंपी है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, वो भी मीडिया में खबरें आई। साथ ही हमने जो चिंता की कि ठीक है एक परिवार से एक आदमी को टिकट दिया जाएगा, ये संकेत इसलिए किया गया कि सभी का प्रतिनिधित्व रहे और कोई ऐसा न सोचे कि उसको एक कोई बेहतर भूमिका पार्टी में मिलने जा रही है, और वो संकेत सबके लिए है। उसमें शर्त सिर्फ ये रखी गई, किसी को छूट नहीं दी गई, कि जो सक्रिय राजनीति में लोग हैं उनको वरीयता दी जाएगी, युवाओं को वरीयता दी जाएगी, 50 साल से कम उम्र के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर लाया जाएगा। तो किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए जो चिंतन का एक मामला होता है, हमने उस चिंतन में देश की दशा और दिशा पर विचार किया अलग अलग कमेटियों के माध्यम से। ये भी कहा गया ना कि सर सक्रिय भूमिका में जो 5 साल से हैं उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है, अब प्रियंका गांधी को 2024 तक 5 साल हो जाएंगे, तो ये जो ये एक रणनीति के जरिए क्या ये दिया गया, क्या ये छूट? ये नेहा जी किसी की भी व्याख्या हो सकती है कि प्रियंका जी व्याख्या की सर, मैं तो आपकी पूछ रही हूँ सर, आपकी क्या व्याख्या अपनी बताइए। ये बताया जा रहा है कि जो पार्टी के लिए काम करता है उसके लिए तो जरूरी है, लेकिन कोई नेता ये सोचे कि हम अपने परिवार में किसी को टिकट दिलवाएंगे जो सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो उसके लिए साफ संकेत है कि पार्टी के लिए आपको काम करना होगा टिकट मांगने से पहले। ये एक साफ संकेत है और वो किसी भी पार्टी के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमारी चिंताएं देश की समस्याएं हैं, उन पे हमने चिंतन किया और उनकी रिपोर्ट हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी और आगामी अपनी रणनीति को साबित किया। चूंकि इस समय देश शिक्षा के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जितने भी इंटरनेशनल इंडेक्स हैं उनमें लगातार हम पीछे छूटते जा रहे हैं, आप बाजार की स्थिति देख रहे हो। इसमें सवाल लूंगी मैं महेश जी से, पूछूंगी कि क्या देश की स्थिति उन्हें दिखाई नहीं देती है, क्या चिंतन शिविर का मतलब क्या हुआ और क्या चिंता सिर्फ पार्टी की है या फिर देश की भी है, मैं पूछूंगी उनसे। लेकिन उससे पहले पांडे जी का रुख कर लेते हैं। पांडे जी, आप लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं सर, वंशवाद और परिवारवाद के जरिए निशाना भले ही एक बार फिर से कांग्रेस पर साधा जा रहा हो, लेकिन आप भी अछूते नहीं रहे। ये कहा जाता है ये तो भुआ भतीजे की पार्टी है टीएमसी। ऐसा देखिए, इनके पास और कोई तो मुद्दा नहीं है, देश में बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उन सब बातों पर ये कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो कहीं यहाँ भाई बहन की पार्टी न रहेगा, ये कहीं पर यहाँ पर परिवार नजर आ रहा है पांडे जी टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा क्या कोई अध्यक्ष बनने की सोच सकता है, क्या बनाया जाएगा, क्या भविष्य है ऐसा? देखिए, ये तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो सोचेंगे, हम तो नहीं बताएंगे। और ये क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के पास यही एक मुद्दा रह गया है कि दूसरे को ये देखें कौन किसको अध्यक्ष बनाए? क्या उन्होंने सब पार्टी का दायित्व ले लिया है, सबके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बन गया है कि वो बोल रहे हैं दूसरे को बनाया जाएगा? अरे ये क्यों सोचते हैं आप, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। इसलिए क्या कहा जा रहा है ना, टीएमसी के कई बड़े नेता नाराज होकर चले गए दूसरी पार्टियों में, कहते हैं यहाँ पे तो सिर्फ बुआ भतीजे की चलती है। असल में देखिए, उनके पास देश के करने के लिए कुछ नहीं है, केवल दूसरे की तरफ अंगुली दिखाने की है। कि तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहता हूं कि एक अंगुली दूसरे पर दिखा रहे हो तो 3 अंगुली तुम्हारे तरफ है। पहले अपने आप को देखो, कर क्या रहे हो वंश? अरे 130 करोड़ भारत की जनता हमारी परिवार है, किस परिवार की बात करते हो? हम 130 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है राहुल लाल जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा है, ये वाकई पार्टी का चिंतन शिविर है या फिर देश के हालात पर भी, जो हालात देश में बने हुआ उस पर भी कहीं ना कहीं एक नजर
डालनी चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे? देखिए, देश की जो स्थितियां हैं उसके ऊपर भी जिक्र होनी चाहिए, लेकिन दो तीन चीजें हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा का पूरा ये चिंतन शिविर चल रही है, बैठक चल रही है, तो उस समय वो उनके सत्ता के 8वें वर्ष में वो पूरा करने जा रहे हैं वो। तो ऐसे स्थिति में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कई सारी उपलब्धियां गिनती कराई कि भाई उनके विधायकों की संख्या कितनी है, 18 राज्यों में उनकी सरकार है। तो अगर राजनीतिक दृष्टि से हम लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी अपने सफलता के अभी सबसे उच्चतम स्तर पे है। प्रधानमंत्री बता रहे थे कि राज्यसभा में भी 100 का संख्या छूने वाली पार्टी हम बनने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में जो एक देखिए, इस सरकार के साथ जो चुनौती है, वो चुनौती इनको आर्थिक मोर्चे पे ही चुनौती है इनको। अगर ये आर्थिक मोर्चे के चुनौती को, जिसको तमाम अभी कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग गिनती करा रहे हैं कि जिस तरह से मान लीजिए अभी महंगाई दर है वो अपने सबसे चरम स्तर पे है, बेरोजगारी के जो मामले आंकड़े आ रहे हैं, तो ये कुछ जो आर्थिक चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को अगर ये सरकार निपट लेती है तब तो फिर ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, वर्ष 2016-17 के प्रथम तिमाही में इसी सरकार का ग्रोथ रेट 9.2% था और वो काफी शानदार ग्रोथ रेट था नेहा जी वो। लेकिन आपको ध्यान होगा कि फिर वो लगातार वहां से गिरते हुए, हर तिमाही आप देखेंगे 16-17 से गिरते हुए कोरोना काल से पहले ही वो 3.2% पे पहुंच चुका था। तो अब आपने हाल फिलहाल में हम लोगों ने आरबीआई के आंकड़ों को भी देखा, आरबीआई ने भी अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि देश को 50 लाख करोड़ के कम से कम नुकसान हुआ है इसमें, और उसके भरपाई में कम से कम 13 वर्ष के आसपास लगेंगे। तो इन चुनौतियों को लेकर सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें मैं महेश जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। महेश जी, अब सवाल ये है कि पार्टी का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन क्या देश का ग्रोथ हो रहा है? पार्टी कितना ग्रोथ कर रही है, कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, कितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के पहुंच गए, या फिर 2 से कितनी तरक्की भारतीय जनता पार्टी ने कर ली, ये एक अलग चीज है। लेकिन क्या देश भी उतनी ग्रोथ कर रहा है जितनी पार्टी कर रही है? देखिए, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं जिन्होंने ये कहा कि देश जो है वो विकास नहीं, पता नहीं किस तरह के बर्बादी के रास्ते पे, मेरे मित्र कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दो जो आपके टाइम में मनमोहन सिंह जी की सरकार में शुरू हुआ था या मोदी सरकार में शुरू हुआ था, वो बंद हो गया हो, उसके लिए पैसे ना मिल रहे हो। देश के अब तक के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को घोषित किया हुआ है, और पता नहीं उनके नाम से आप लोग क्या क्या आप कसीदे गढ़ते हो। वो 14 लाख करोड़ से ऊपर का बजट नहीं पेश कर पाए इस देश में, और ये वही देश है जो कि संक्रमण काल, युद्ध काल होने के बाद भी 40 लाख करोड़ का बजट पेश करता है। WHO का रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है, अभी हालिया में ही प्रकाशित हुई है, गूगल खोल के पढ़ सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक उस पर आर्टिकल आया है, और उसमें ये स्पष्ट है कि देश में लोगों की जो माली हालत है या उनका जीवन स्तर है वो सुधर के 26% से 36% पे पहुंच गया एक साल के अंदर। ये जो चमत्कार है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है, 80 करोड़ फैमिली को मुफ्त में भोजन लगातार 2 साल से दिया जाना, इसी चमत्कार से कम है क्या? और वो भी भारत जैसे देश में जहाँ एक बार याद करो कि प्लेग हुआ और 20 करोड़ रुपया नहीं था कि आप वैक्सीन लें, वही कनाडा आपको वैक्सीन दिया, आपके कितना मतलब दुत्कार के, कितना रहम करके किस तरह से वो वैक्सीन लिया गया। नहीं सर, ये उपलब्धि है क्या? अगर आप कह रहे हैं कि हम तो इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, ये उपलब्धि है क्या? इसे आप उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं क्या? सर, लोगों को राशन फ्री में चाहिए या रोजगार चाहिए? मैं आती हूँ महेश जी एक सेकंड रुक जाइए, बहुत देर से त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आती हूँ महेश जी, आपको फिर मौका देती हूँ। त्रिपाठी जी जल्दी से बात रखिए अपनी। नेहा जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। इन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो मनमोहन जी ने शुरू किया हो या पहले मोदी जी ने शुरू किया हो जो खत्म हो। इनको जानकारी नहीं है कि खुद की ही अपनी सारी योजनाएं मोदी जी खत्म कर चुके हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उससे ज्यादा विज्ञापन पे खर्च कर देते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा WHO की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, जब WHO ने बताया कि 50 लाख लोग भारत में मरे हैं तो आप मानने को तैयार नहीं, तब आप कहते हो। सुनिए थोड़ा सा महेश जी, सुनिए जरा। WHO अभी आपने कहा WHO की रिपोर्ट, क्या आप मानते हो कि वहां पे 50 लाख लोग मरे हैं? दूसरा, आपने कहा कि
5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, शायद ट्रिलियन की गिनती आपको भी नहीं आती होगी, इसलिए सिर्फ ये जुमला बोलते रहते हो इकोनॉमी का क्या हाल है। 14 लाख करोड़ से ऊपर का बजट नहीं हुआ, आपने कोविड आपदा भी 20 लाख करोड़ दी थी, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं है कि वो पैसा कहाँ चला गया, सिर्फ कागजों में था। आप 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हो, मैं पूछता हूँ आबादी का कितने प्रतिशत है, कहाँ आपने दिया? सारे आंकड़े आपके झूठे हैं। मैं राष्ट्रीय टेलीविजन पे कह रहा हूँ कि आप खुद ही अपनी चीजों में उलझे हुए हैं, आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। आप WHO के आंकड़े को मानोगे कि 47 लाख मौतें हुई है? अभी आप कह रहे हो ना WHO की रिपोर्ट मान रहे हैं 47 लाख मौतें हुई है। आपने राशन की 80 करोड़ लोगों को नहीं दिया है, आप सिर्फ झूठा दावा करते हो, इसकी कोई आपको चिंता नहीं है। आप जो सिर्फ बजट दे रहे हो वो भी सिर्फ आंकड़ों में दे रहे हो, 14 लाख करोड़ से बड़े बजट को तो आप आपदा में दे देते हो, और उसकी हकीकत क्या होती है? 20 लाख करोड़ कहाँ गया? आज तक कोई हिसाब है वित्त मंत्री जी का? भारत सरकार का कोई हिसाब है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पर है, बिजली संकट सबसे ज्यादा है देश में, ठीक है, लेकिन सर ये मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं ना त्रिपाठी जी, आप लोग ये मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उठाते हैं तो फिर आप लोगों को लगता है कि जी ये तो हम पे निशाना साध रहे हैं। इस बार भी जब चिंतन शिविर में गहलोत सरकार का नाम लिए बगैर ही उन्होंने जमकर निशाना साधा, वंशवाद परिवारवाद का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अपना किला बचा देने की भी अपील की, ये चुनौती दे डाली, ये कहा है कि अपना किला बचा लो अगर आप बचाना चाहते हो तो। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि देश में इस कदर हालात है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरह के आप लोग आरोप लगा रहे हैं सर, लेकिन ये जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। जीत रही है नहीं भी ऐसा नहीं है, भाजपा जिन कारणों से जीत रही है वो सबको पता है, बहुसंख्यक मतों के ध्रुवीकरण, कैसे जीत रही है, कैसे जीत रही है बताइए ना, बहुसंख्यक मतों के ध्रुवीकरण का जो नफरत का विकास जो किया जा रहा है आप रोक नहीं पा रहे सर, ये ध्रुवीकरण होता जा रहा है देश में, ध्रुवीकरण होता जा रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण आप रोक ही नहीं पा रहे हैं ना सर। सरकारी एजेंसियों को जब फ्रंटल बना के यूज किया जाए, लोकतंत्र की सभी संस्थाओं का माहौल उड़ाया जाए तो कुछ समय के लिए ऐसी अंधड़ चलती है, और ये आंधी है, ये बहुत जल्दी छटने वाली है। हर आम आदमी आज अपने जीवन की समस्याओं से परेशान है, महंगाई से, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आज बुरी तरह से जनता बदहाल है, और इसका परिणाम भाजपा को मिलने वाला है, और भाजपा भी ये जान रही है। ऐसा नहीं है कि वो दिन बहुत दूर है, आने वाला समय भाजपा के लिए सबसे बुरा समय होगा, वही भाजपा जो 2 सीट के नीचे से भी उठ के आई हुई है। राम प्रकाश जी, राम प्रकाश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल अगर ना बढ़े तो क्यों ना बढ़े सर? आप लोग तो एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य तक जाने के लिए रास्ता निकाल रहे थे, अपनी हसरतें पाले हुए थे, लेकिन गोवा में तो जैसे पस्त किया जनता ने वो आप लोगों के सामने ही है। फिर आप लोग कहते हैं कि देश में हालात खराब है, ध्रुवीकरण हो रहा है, वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम खाई को और गहरा करने की कोशिश की जा रही है, सब मुद्दे एक तरफ से, लेकिन जनता आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है? गोवा में भी आपको नकार दिया, आप तो नेशनल पार्टी बनने की बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि जी हम तो तीसरा मोर्चा बना लेंगे सभी पार्टियों को साथ में, आपको ही नकार रही जनता सर। देखिए ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब जब हुई धर्म की हानि तब 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 बड़े असुर अभिमानी, तो ये असुर अभिमानी इसी तरह से बढ़ रहे हैं, इन्हें पता नहीं है ये हिंदुस्तान है, और हिंदुत्व का जो नारा लेके रखे हैं उस हिंदुत्व में यही बोला है, उनके अभिमान जो बन रहे हैं, रावण अभिमानी बना था तो उसका धराशायी हुआ था, राम भी पैदा हुआ था, तो ये भारत की भूमि है, और देखिएगा यथार्थ रूप में राम पैदा होगा और इन्हें धराशायी करेगा, क्योंकि ये धर्म को और जाति में विभाजित कर रहे हैं। हम अपने प्रयास में राजी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, गोवा गए प्रयास करेंगे, प्रयास करे जा रहे हैं, अभी आसाम में भी हमने अपनी कार्यालय का उद्घाटन किया, हम प्रयासरत हैं, हम जनता के साथ हैं, जनता के काम के लेकर चले हैं, हम अधर्म नहीं करने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, क्योंकि भारत की भूमि पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगा करने का प्रयास हमेशा, अभी तक एक था, अब ज्ञानवापी मस्जिद आ गई, तो इस तरह का अपवादों को, अलगाववाद को जन्म देके या जातियों में विभाजित करके शासन करना चाहते हैं, जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो शासन करो, हम इसका प्रतिवाद करेंगे, और हम आस्ते आस्ते ही बढ़ेंगे कि तो जिस दिन बढ़ेंगे धराशायी करके रख देंगे। ठीक है राहुल जी, कुछ कहना चाह रहे काफी देर से रुक कर लेते हैं, ठीक है पांडे जी, ठीक है, ठीक है राहुल जी, ठीक है। 2-3 चीजें यहाँ पे बड़ी गंभीर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए एक तो चीज ये है, जैसे कि अभी मान लीजिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की चर्चा हो गई,
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब चर्चा हुई थी तब उसमें जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने कहा था कि उसके लिए 8% का ग्रोथ रेट चाहिए था और उसमें सरकार ने लक्ष्य बनाया था क्योंकि जिसमें घोषणा हुई थी उसमें 6.5% का ग्रोथ रेट था तो उसमें यह आसानी से संभव था कि 6.5% के ग्रोथ रेट को 8% से पहुंचाया जाता। अब तो जिस तरह की तमाम स्थितियां बनी है तो वो लक्ष्य कितना ज्यादा दूर हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन तमाम इस तरह से विफलताओं के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी काफी लगातार हर चुनाव में सफलता प्राप्त कर रही है और सफलता ही प्राप्त नहीं कर रही है और प्रत्याशी सफलता प्राप्त कर रही है। तो इसका कारण जो मैं मानता हूं कि देखिए राजनीति में मैसेजिंग इस तरह से आप अपना मैसेज जनता तक पहुंचाते हैं वो बड़ा मायने रखता है। अगर हम लोग अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के हिसाब से देखें तो परंपरागत ढंग से अर्थशास्त्र में यही पढ़ाया और बताया जाता है कि जो और हम पुराने आंकड़े देखेंगे तो उसमें दिखेगा भी हम लोगों को कि जो थोक महंगाई दर है वो कम होता है खुदरा महंगाई दर वो ज्यादा होता है। अब आप अभी आप देख लीजिए कभी थोक महंगाई दर 15% को क्रॉस कर रहा है बहुत ज्यादा है और पिछले एक साल से लगातार वो डबल डिजिट पे बना हुआ है 10% से ऊपर पिछले एक वर्ष से लगातार बना हुआ है और उसके साथ ही साथ खुदरा महंगाई दर जिसको कि आरबीआई खुद मानती है पहले आरबीआई ने कहा कि 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो फिर उन्होंने उस कैप को बढ़ाकर 6% कर दिया लेकिन फिर भी वो 8% के लगभग पे बना हुआ है लगातार उससे और बढ़ने की संभावना है। तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के मामले में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती थी और अभी इस समय विपक्ष उसको बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल लाल जी कह रहे हैं कि देखिए अभी जो महंगाई दर है वो कितनी है इस बात को भी समझना होगा लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखिए देश के हालात के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। सर कितने सालों से तो सत्ता पर आप काबिज है आप ये वायदे करके आए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई को कम कर देंगे बेरोजगारी को खत्म कर देंगे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रहेगा लोगों को रोजगार मिलेगा युवा आगे बढ़ पाएंगे। सर ये कहाँ गए वायदे कहाँ गए दावे अभी तक आप पिछली सरकारों को ही कोस रहे हैं। महेश जी आपको देश पे शासन करते हुए एक लंबा वक्त हो गया है लेकिन अभी भी पिछली सरकारों का नाम आखिर क्यों लिया जाता है उनको क्यों कोसा जाता है। महेश जी जवाब दे रहे थे महेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी सरकार को कोसे हम उस चीज कोस रहे और सरकार को किसी सरकार को कोसने से देश का विकास नहीं हो रहा है। कि विकास जो है हम विकास के जो के लिए जो हमारा प्रयास है और लगातार जो हमारा काम है और जो हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं अभी वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई उसको भी आप देखिए उसमें वर्ल्ड बैंक ने हमारी कम से कम 26-27 ऐसी योजनाओं को इतना अप्रिशिएट किया कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों को कनेक्ट किया जो लोअर क्लास है जिनके जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव आया है। हमारी रिपोर्ट नहीं है ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। सवाल ये है कि हम जब ऐसी देखते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं इस बात समझ में आती है कि हाँ ये है हमारे तक शौचालय पहुंचा हमारे तक उज्ज्वला पहुंचा हमारे तक जल पहुंचा हमारे तक रोजगार पहुंचा हमें सम्मान मिल रहा है हमें हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है हम इस कोरोना काल में भी जो है भूखे नहीं मर रहे हैं हम किसी भगवान भरोसे नहीं छोड़े जा रहे हैं। ये वही देश है जहां वैक्सीन के नाम पर जो है 20 करोड़ रुपए नहीं होते थे आज वर्ल्ड में हम वैक्सीन दे रहे हैं आज वर्ल्ड में जो है भारत को जो है एक सशक्त और मजबूत आर्थिक संपन्न देश के रूप में देखा जा रहा है जहां पे आज भी जो है सेंसेक्स जो है 50,000 से ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं देश को ये जो आर्थिक मजबूती मिली है जिसको लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं कि भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो गई है। क्या मतलब बनता है भाई ऐसे बोलने का क्या एक दिन का यहाँ पेट्रोल बचा है क्या एक दिन के लिए यहाँ फॉरेक्स बचा है क्या क्या यहाँ 10 दिन के लिए अनाज बचा है क्या। इस तरह के आलाप प्रलाप और इस तरह के बेसिर पैर की बातों को करने का क्या मतलब है देश के बारे में देश की इस तरह से छवि खराब करने का क्या मतलब है। तो जब इस तरह की हम बातों को लेकर सामने रख के बात करते हैं तो स्वाभाविक उसके पीछे हमारा कहीं ना कहीं वो पीड़ा होती है जिससे कि देश का जो सम्मान पे चोट पहुंचा रहा जा रहा है और वो भी एक पॉलिटिकल आदमी के द्वारा। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि देश को सजग करना चाहिए ऐसे लोगों से जो देश के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और बिना जानकारी के जब अपने चीजों को अपने विचारों को त्रिपाठी जी अभी आपने सुना राहुल गांधी
राहुल गांधी पर निशाना साधा है, कह रहे हैं कि देश का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। सर उससे पहले जब धारा 370 हटाई गई थी तो भी ये कह रहे थे कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तमाम तरह की बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह की बातें करना सही है क्या? और अगर ये कहा जा रहा है कि पार्टी में वंशवाद है, पार्टी में परिवारवाद है, पार्टी किसी और को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, तो फिर इसमें कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं और कहाँ झूठ है? सर ये भी समझने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि देखिए कोई अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं है क्या? क्या नेताओं का टोटा हो गया है क्या? क्या कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा अनुभव वाला व्यक्ति नहीं है जिसको आगे बढ़ाया जा सके, या फिर गांधी परिवार किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है? नेहा जी, जहां से आपने बात शुरू की उत्तर भी वहीं से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपने कहा कि क्या ऐसी खबरें भारत को कमजोर करती हैं। दरअसल ये सरकार में बैठे हुए लोगों की एक साजिश है कि इस तरह का माहौल इन्होंने लोकतंत्र में बना दिया है कि सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना हो गया है। सरकार के कामों की आलोचना इसलिए हो रही है कि जिस हंगर इंडेक्स में भारत को 100 पायदान के ऊपर पहुंचा दिया आज इन्होंने, उसे मनमोहन सिंह की सरकार 54th पर लेकर आई थी। जो भी इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक कह रही है कि भारत की विकास की स्थिति और अर्थव्यवस्था की स्थिति, जैसा राहुल लाल जी जिक्र कर रहे थे, अजीबो गरीब चल रही है और अर्थव्यवस्था अनियंत्रित हो चुकी है आपकी नोटबंदी और जीएसटी के कारण। समझ में नहीं आ रहा है, आम आदमी के जीवन के संकट जो है उन्हें आप समझ ही नहीं रहे, चूंकि आप तो धर्म के मुद्दों में उलझाए हुए हैं और उन्हीं पे आप बात करते रहेंगे। अगर जो राहुल जी कोई प्रश्न पूछते हैं सरकार से तो ये कहते हैं कि विदेश में सरकार की आलोचना हो जाती, क्या किसी विपक्ष के नेता के प्रश्न पूछने से आपकी सरकार के किए कराए सभी कामों पे पानी फिर जाता है? आपका कोई ऐसा विकास नहीं है जो सामने आ सके? दरअसल सभी योजनाओं में पूरी तरह से ये सरकार फिसड्डी साबित हो रही है, इसलिए ये राजनीति को उस केंद्र पर ला रही है जहां सिर्फ मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क्या नेताओं का कोई अकाल हो गया है कि नेहरू गांधी परिवार के बाहर, इतनी बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ा संगठन होता है, अध्यक्ष की एक भूमिका होती है, उसके बाद भी सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं और कांग्रेस में एक बड़ा संगठन काम कर रहा है। गांधी नेहरू परिवार पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिक भरोसा है, इसे मैं कहूंगा, इसलिए कहीं ना कहीं यही मांग है। कौन से कार्यकर्ता, कौन से नेता है सर जिनका भरोसा है गांधी परिवार पर, ये भी मैं समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि नहीं हम है, हम नेता है, हमारा भरोसा है, हम राहुल जी पे भरोसा करते हैं। खत लिखा था वो 23 नेता कौन थे जिन्होंने खत लिखा था? कपिल सिब्बल अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, गुलाम नबी आजाद अक्सर बोलते रहते हैं, सर ये कौन है? बिल्कुल एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी जिसमें किसी भी मुद्दे पर कोई एक स्टैंड पे रही है ना त्रिपाठी जी, कैसी अभी आप कह रहे गांधी परिवार पर ट्रस्ट है, अभी आप कह रहे लोकतंत्र है जी हमारी पार्टी में, इसलिए आवाज तो उठती है ना गांधी परिवार के खिलाफ। आज जिन लोगों ने उठाई थी नेहा जी, वही लोग चिंतन शिविर में भी थे, वहां उन्होंने यही आस्था भी जताई है। कतई ऐसा नहीं है कि वो लोग चिंतन शिविर में नहीं थे या पार्टी की बैठकों में नहीं होते और वो नहीं कहते कि हम गांधी परिवार का नेतृत्व चाहते हैं। अगर जो पार्टी में नेता चाहते हैं और कहीं भी उनको कोई आपत्ति होती तो कहा गया है कि सर संसद की समिति में उन लोगों के नामों को काट दिया गया, नए नामों को रख दिया गया जिन्होंने 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद भी तो एक्शन आप लोगों की तरफ से हुआ ना। अब आप उसे लोकतंत्र कहें या फिर नए नेतृत्व को आगे लाना पार्टी का काम होता है और ये कोई एक स्टैंड पे रहिए त्रिपाठी जी, या तो आप ये कहिए कि देखिए लोकतंत्र है हमारे में, या फिर ये कहिए कि हाँ भाई आवाज उठती है गांधी परिवार के खिलाफ, आप एक स्टैंड पे तो रहिए कम से कम। आप तो दोनों तरफ खेल रहे हैं, इस तरह से नहीं होता ना, डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए सर। बिल्कुल कह रहा हूँ नेहा जी, बिल्कुल नेतृत्व के लिए कह रहा हूँ, गांधी नेहरू परिवार पे ही नेतृत्व के लिए आस्था है और पार्टी का कार्यकर्ता कहता है, इसलिए नेतृत्व उन्हीं के हाथ में है। जहाँ तक आपने आपकी ही पार्टी से निकले हुए तमाम नेता अपनी अपनी पार्टियों को चला रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, चाहे शरद पवार की बात करें, चाहे फिर और तमाम और नेताओं की बात करें, लेकिन अगर आप कांग्रेस को ये नहीं लगता कि हमारे पार्टी में जो अनुभव वाले नेता है उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ख्वाब पले हुए हैं कि वो भी कभी अध्यक्ष बने, वो भी कभी आगे बढ़े, लेकिन गांधी परिवार मौका ही नहीं देता। उस दौर को भी याद किया जाता है, नरसिम्हा राव के दौर को भी सर याद किया जाता है। खैर पांडे जी, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि जिस बात का जिक्र अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है, क्षेत्रीय पार्टी जो है
सिर्फ सत्ता के लालच में ही रहती है, जोड़ तोड़ जैसे तैसे बस सत्ता तक पहुंच जाए, यही कोशिशें रहती है क्या क्षेत्रीय पार्टियों की, क्योंकि जेपी नड्डा को यही लगता है, भारतीय जनता पार्टी को तो यही लगता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद कौन सी रही, जब तीन इनके सांसद थे उस समय की पार्टी थी तो उस समय भी जोड़ तोड़ के खुद आगे बढ़े थे, वो भूल गए हैं अपने भूतकाल को, भूल गए हैं फल और अभिमान को लेकर चल रहे हैं, तो ये भूल गए हैं। तो हर पार्टी के इनकी नजरिया बदल गई है, इनके आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इनको दूसरे की आलोचना छोड़ के भारत का सर गिरता जा रहा है उस पर इनकी चिंता नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हर चीजों की। अभी ये मेरे महेश भाई बोल रहे थे उज्ज्वला गैस के बारे में, तो गैस की जो कीमत बढ़ गई है उसकी चिंता नहीं है इनको, जिस आपने फ्री में गैस दिया था और गैस की कीमत बढ़ी है, अब वो महिलाएं गैस खरीद नहीं पा रही है जिसे जलाएंगी। ठीक है राहुल लाल जी, ठीक है इस चिंतन शिविर से कांग्रेस को कितनी चुनौती देने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है राजस्थान में, क्योंकि चुनौती तो सीधे सीधे की है कि अपना किला बचाना चाहते हो या बचा सकते हो तो बचा लो, क्या लगता है कि अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, वहां पर पूरा शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में मौजूद है, चुनाव भी होने वाले हैं, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? चुनौती बड़ी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है नेहा जी। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को काफी गंभीरता के साथ लड़ती है और जो चुनावी प्रबंधन भारतीय राजनीति के चुनावी प्रबंधन को बदल दिया उन लोगों ने पूरी तरह से, और जो जिस तरह से वो एक्टिव रहते हैं काफी जबरदस्त ढंग से, अगर दूसरी प्रतिस्पर्धी पार्टियां अगर उसी ढंग से नहीं रहेंगी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। देखिए आपको बदलना पड़ेगा, कांग्रेस जैसी पार्टियां या दूसरी जो पार्टियां हैं उनको अपने कार्य संस्कृति में बदलने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना चिंतन शिविर किया है उदयपुर में, तो अब मुख्य चीज यह है कि कांग्रेस के कई चिंतन शिविर के बाद काफी बेहतर परिणाम भी प्राप्त हुए हैं, तो अब क्या वहां पे चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए क्या उस पर जमीन पे कांग्रेस बिल्कुल उसी रूप में अमली जामा पे पहना पाएगी, किस रूप में पहना पाएगी? क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि भाई 50% युवाओं को वो भागीदारी रहेंगे, तो 50% युवा बाकी पार्टी के जो अनुभवी लोग हैं उन सबों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करनी है, ये कुछ बड़ी चुनौती है उनके पास, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप सोच के देखिए अभी तो राजस्थान के चुनाव कितने लंबे समय के बाद है, तो उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, त्रिपुरा के लिए पूरी तैयारी चल रही है, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव तो इसी वर्ष है, तो उसके लिए तो उनकी तैयारियां और पहले से चल रही है। तो ये जो चुनाव की तैयारी वाला जो मामला है उसमें तो वो काफी आगे रहते हैं। तो आपको पिछले खंड में यही चीज मैं कह रहा था कि राजनीति में प्रशिक्षण कि आप अपना मैसेज को किस रूप में पहुंचाते हैं, 2014 से पहले महंगाई के मैसेज को भारतीय जनता पार्टी ने किस रूप में जनता तक पहुंचाया और उसको मुख्य मुद्दा बनाया, उस तरीके से कांग्रेस पहुंचा पा रही है ये मैसेज जनता तक, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर हाँ तो फिर ये नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों आ रहे हैं, और अगर ये पक्ष में आ रहे हैं तो क्या कांग्रेस अपने जो काम कर रही है उसमें सफल हो पा रही है, ये भी एक यहाँ पर सोचने वाली बात है। जिस शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठाती थी जब वो सरकार में नहीं थी, आपके खिलाफ आवाज उठाती थी, उन मुद्दों को उठाया जाता था जो सरकार की कमजोरी है, क्या उस शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है क्या? क्या उस शिद्दत के साथ सड़क पर उतर रही है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जी हम 17 या 18 राज्यों में हमारी सरकार है, 400 से ज्यादा हमारे सांसद हैं, और उसके बावजूद भी जब 5 राज्यों में नतीजे आए उसके साथ उसी शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, तो ये एक जज्बा है आगे बढ़ने का, ये एक जज्बा है तमाम राज्यों में अपनी सरकारों को लाने का, और ये एक जज्बा है कांग्रेस मुक्त भारत को करने का। इस जज्बे के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है क्या? अगर हाँ तो ये आप जो मुद्दे आज टीवी पे बैठ के उठाते हैं ये सड़क पर उठते हुए क्यों नहीं दिखाई देते सर? क्यों नहीं उठाए जाते हैं मुद्दे? क्यों जनता तक आप बात पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? नेहा जी ऐसा नहीं है कि हम जनता तक मुद्दे पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पंजाब में भी आपकी सरकार चली गई, सुनील जाखड़ भी अब आपको छोड़ के चले गए, गुजरात में हार्दिक पटेल आपको छोड़ के चले गए, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या कुछ चल रहा है सर ये तो सार्वजनिक हो गया, दुनिया जानती है। ये जो हालात बने हुए हैं कांग्रेस में ये वाकई क्या चिंता करने के लिए जरूरी है? और एक चिंतन शिविर यहाँ पर 2-4 दिन का नहीं बल्कि 2-4 महीनों का लगना चाहिए जिसपे बहुत तफसील से चर्चा हो।
बोलना मैं शुरू करूं या जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सर बोलिए बोलने का मौका दिया करिए प्रश्न पूछने के बाद जी जी बिल्कुल के बाद फिर शुरू मत हो जाया करिए हम लोग स्टूडियो में नहीं बैठे हैं सर समझ गए मैं आप अपनी बात रखिए आप क्या कहना चाहते हैं समझ रही हूं बिल्कुल हाँ थोड़ा सुनने के लिए समय लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत है नया जी हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हमारा नेतृत्व काम कर रहा है दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने का तरीका है और ये पूरा देश देख रहा है और सभी लोग समझ भी रहे हैं बहुत जल्दी इसका पटाक्षेप भी होने वाला है कि जो सरकारी एजेंसियों को आप फ्रंटल बनाएंगे जो आप विपक्षी नेताओं को टारगेट करेंगे आपकी एजेंसियां जिस तरह से काम करेंगी तो बहुत सारे लोगों में ऐसा साहस नहीं होता है कि जो वो इस तरह की राजनीति से लड़ पाए तो कहीं ना कहीं वो समर्पण करने को तैयार है वो झुक जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो बिल्कुल भी नहीं झुकने वाले हैं और लगातार लड़ रहे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ मैंने पहले भी कहा था थोड़े समय के लिए ऐसा अंधड़ आता है ऐसी आंधी चलती है कि धूल उड़ती है तो लोगों को सच दिखाई नहीं देता है लेकिन धीरे धीरे वो छटने लगा है और भाजपा को भी ये समझ में आने लगा है भाजपा कहीं भी मजबूत नहीं हो रही है बीच में जो मजबूत हुई थी उससे लगातार कमजोर हो रही है। पंजाब का आपने जिक्र किया तो भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश में भी दोबारा सरकार बनी है तो किस तरह से बनी है जीत का मार्जिन क्या था परसेंटेज क्या था बहुत सारी चीजें हैं जिनका अध्ययन हो रहा है और विचार किया जा रहा है। कांग्रेस निश्चित तौर पर मुद्दों को लेकर जनता के साथ है और जनता उनको स्वीकार कर रही है जनता आज मान रही है ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं आ जाती है कि 45 करोड़ लोगों ने इस देश में नौकरी की चाह छोड़ दी है वो रोजगार अब नहीं खोज रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है। विनिवेश की जो स्थिति है अभी कल भी निर्णय हुआ है कि अब कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है कोई भी कंपनी बेचने के लिए वहां का बोर्ड तय कर देगा। तो जिस तरह से अभी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति है सामाजिक व्यवस्था है महंगाई है इन मुद्दों से कहीं भी जनता छूती नहीं है और ये अंधड़ छट रहा है और कांग्रेस ही फिर नेतृत्व करेगी और चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो जिसका भी जिक्र मैं पहले भी कर रहा था जहां भारत आज पीछे गया कहने में बड़ा अच्छा लगता है $5 ट्रिलियन अभी भी कहा था भाजपा प्रवक्ता ने लेकिन इनको हकीकत नहीं पता कि 5 ट्रिलियन का लक्ष्य कब तक था किस विकास दर के आधार पे था वो विकास दर जो अनुमानित बजट में आपकी थी वो अभी तक 3 बार रिवाइज हो चुकी है महंगाई को लेकर और जो आंकड़े आप नहीं सर मैं तो ठीक है सर ये तमाम मुद्दे हैं वाकई सोचने वाले हैं लेकिन यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है इसीलिए हमारी चिंता सर आप लोगों के लिए भी है कि अगर चिंतन शिविर लगता है आप लोगों की तरफ से भी तो आखिर ये चिंतन शिविर हर चुनाव हार जाने के बाद लगता है लेकिन उसमें क्या ऐसी चिंता की जाती है कि फिर जब चुनाव आता है तो वो भी आप हार जाते हैं सर नहीं पहले तो नेहा जी आपको जानकारी नहीं है ये चिंतन शिविर हर चुनाव के बाद नहीं होता है 2003 में ये तो कहा ही जाता है कि हम देखिए इस पर बात करेंगे हम इस पर गहन चिंता करेंगे हम ये कोशिश करेंगे ढूंढने की कहाँ खामियां कहाँ कमियां रह गई है तो सर ये चाहे चिंतन शिविर लगा लीजिए चाहे ये कांग्रेस की एक कमेटी कर लीजिए या बैठक कर लीजिए ये बात तो एक ही होती है सर चिंता करने वाली बात होती है और दूसरी बात चिंता करने के बाद क्या चिंता निकल के सामने आती है ये नहीं समझ में आता सर यही बता रहा हूँ वो चिंतन शिविर होना और आपने जो कहा समीक्षा होना दोनों में अंतर होता है। निश्चित तौर पर पार्टी समीक्षा करती है और देखती है कि कहाँ हमारी कमी रही है उन कमियों पर भी हम विचार करते हैं और उसके लिए अपनी रणनीति तैयार करते हैं लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं ये मैं मान सकता हूँ कि आपको जैसा लगता हो कि जितना प्रखर विरोध होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पा रहे हैं इसके भी कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का जो तरीका है जिस तरह से उन्होंने धर्म को हथियार बनाया है और मुद्दा बनाया है जिस तरह से जीवन के आम मुद्दों को वो अलग हटाकर दूसरे मुद्दों को लाते रहेंगे प्रधानमंत्री जी के भी वक्तव्य आप देखेंगे तो उसमें जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पर बात न होकर बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर वो विचार करते रहेंगे 15 साल तक के लिए हमारी अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहना है तो उसकी हमें तैयारी दरअसल भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन जीवी और सत्ता जीवी पार्टी है। ठीक है मैं रिएक्शन ले लेती हूं दो मुद्दे आपने उठाए हैं आप कह रहे हैं एक तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करती है यानी कि उस पर भी राजनीति करने का काम करती है मैं ये चीज जल्दी से रिस्पॉन्ड करें ये रिस्पॉन्ड करने की कोई चीज ही नहीं है सवाल ये है इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके 85 ऐसे नेता है जो बेल पे है जो करप्शन के चार्जेस में है कानूनी रूप से उसमें ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं तो ऐसे लोग जो है किस नैतिकता के साथ इस बात की दुहाई देते हैं कि हम कोई इनका उत्पीड़न कर रहे हैं अरे उत्पीड़न आपको देखना है वही नौजवान सिंह दो
जिनको आपने बचा लिया था, आज वही एक साल की सजा हुई है उनको। अब आप इसको क्या कहिएगा, इसमें बीजेपी का कोई हाथ है? ये तो देश में अगर चुनौती राहुल लाल ने एक बात कही वो मुझे कुछ बात हद तक समझ में आई कि भाई देखिए एक महंगाई जो है वो हमारी एक चुनौती है, और अगर हमारी अर्थव्यवस्था कहीं मजबूत होती दिखाई दे रही है और अगर मानसून अच्छा रहा तो हम इस महंगाई पर कहीं ना कहीं कंट्रोल का अगर कर लेते हैं जनता के लिए राहत की बात हो, और हमारी चुनौती हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था को लेकर इसलिए नहीं है कि भूत में जो है ना अतीत में जो है हमें एक ऐसा कंगाल देश मिला, एक ऐसा खजाना खाली मिला जहाँ 20 लाख करोड़ से ऊपर का जो है घोटाला था, जहाँ जमीन आसमान सब कुछ बेच के हमारे हाथ पे पकड़ा गया था, और हम उस हालात में भी 8 साल में अगर कमर कस के और आज बेचते अगर अपने जीडीपी को ग्रोथ को अगर अचीव करते तो आगे बढ़ रहे हैं 40 लाख करोड़ का। माना दे रहे हैं और कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम है जिसमें शिक्षा भी है, हेल्थ एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रियल भी है, लोन भी है, ये तमाम चीजों को। सबसे बड़ी बात आपको बताएं जो रेपो दर पर हंगामा हुआ कि 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, राहुल लाल अच्छे से बताएंगे कि वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक थे उनके उन्होंने 10 टाइम जो है रेपो रेट बढ़ाया, और हमने पिछले 2 साल में एक बार भी रेपो रेट नहीं हमने रिवाइज किया। ये मनमोहन सिंह ने 55 पॉइंट से लेकर 156 पॉइंट तक लेकर गए थे, तब तो ना ये हालात थे ना ठीक है ठीक है ना कोरोना ठीक है, तो ये सब की बात है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर परिवारवाद वंशवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम पार्टियों पर निशाना साधती रही है, लेकिन इस बार भी जब चिंतन शिविर हुआ तो वहां पर भी पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम लिए बिना कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्हीं के राज्य में जाकर उन्हीं को अपने किले बचाने के लिए एक चुनौती भी दे डाली। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री बोलते हैं या जिस आत्मविश्वास के साथ वो चुनौती दे रहे हैं, ये चुनौती कांग्रेस के लिए कितनी भारी पड़ती है और ये चुनौती का सामना कांग्रेस पार्टी या फिर तमाम और राजनीतिक पार्टी, क्योंकि 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले किस तरह से वहां पार्टियां इसका मुकाबला करेगी, इस पर भी सभी की निगाहें। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।